नमस्कार। अभी हम ग्राम पंचायत के प्रधान जी से आपको मिलाने जा रहे हैं। प्रधान जी बताइए, ग्रामीण किस विषय को लेकर इकट्ठे हुए हैं? सर, मैं ग्राम पंचायत वेद जसवा से बोल रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ हमारी पंचायत में कोई बेकार नहीं खोलना चाहिए सर। हमारी पंचायत में बच्चे और लेडी और सब इस पंचायत में रहते और जाते हैं। हमारी लेडी जाते हैं तो हमें लेडी और बच्चों को परेशानी होती है। वो स्कूल भी थोड़ी दूर में ही पड़ता है तो उनको बहुत मुश्किल होती है। हमारी बच्चों को बहुत मुश्किल होते हैं। बच्चे, हम चाहते हैं कि बच्चे नशों के भला ना जाएं, ना साढ़े बच्चे अच्छे रहें। असं यही चाहते हैं। आप, हम इस हिसाब से यही निवेदन करना चाहते हैं कि यहाँ ठेका नहीं खोलना चाहिए। आप देख रहे हैं इनके साथ काफी संख्या में महिलाएं भी, आप देख रहे हैं काफी संख्या में यहाँ पर ठेके के विरोध में जो यहाँ पर इस विषय में औरतें एकत्रित हुई हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगी वो। जी, क्या कहेंगी जी आप? अगर यहाँ पर ठेका नहीं खुलना चाहिए। हमारा लड़का था 40 साल का और उसकी उद्घटना इसी हालत में हुई है। एक ने फोन करना, हाँ भैया कहाँ है वो, जल्दी आओ हमारे पास यहाँ में, ठीक है। आज मेरा बच्चा नहीं है, इतने इतने मेरे बच्चे हैं, आदमी मेरा अपाहिज है, मैं हूँ, मैं कमाने लायक हूँ। ये ठेका नहीं खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए, ठीक है। मेरे बच्चों को रोटी कौन देगा? देगा कोई? आज एक मेरा गया, कल को चार और जाएंगे, ठीक है। उनको कौन देखेगा? उनके परिवार को और उनको कौन देखेगा? देखेगा कोई? दिया तियां भी आनिया, नूहा भी आनिया, खेतियां भी है, सारी बाड़ियां भी है, सभी ने आना। अकेडमी मुंड है, स्कूल मुंड है। ये ठेका यहाँ पर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है ना। एक आज एक का घर उजड़ा, कल को चार के उजड़ेंगे। एक नहीं आएगा, चार आएंगे। एक फोन करेगा, चार आएंगे, हाँ हम भी जाएंगे। एक पैग लगाएंगे, दो लगाएंगे, किनिया मामा के घर जाएंगे। जे यहाँ पर ठेका नहीं खोलना चाहिए। जे खोलेगा तो नीचे जाकर सुवाई में खोल लो। हाँ, ये कोई दिक्कत नहीं, हमारे गांव में नहीं है, ठीक है। पहले भी ठेका है, 1.5-2 किलोमीटर में ठेका है। जहाँ पर खोलना नहीं चाहिए, हमें नहीं जरूरत है, नहीं अपना हम गांव बर्बाद नहीं कर सकते। तियां पैना वाले नसी, ठीक है। और बाकी जो पब्लिक चलेगी वहाँ भी हम भी चलेंगे, जैसे हमने बोल दिया वो होगा। लेडी शाम ने तो सैल ते आंदी है, अकेडमी है, लड़कियां भी आती है अकेडमी दे, करे क्या? और नशे वाले यहाँ घुट जाए, लड़कियों तो टपना मुश्किल हो जाता है, क्या करेंगे? इस करके ना ठेका बंद ही होना चाहिए। प्रधान जी, इस विषय में आपके द्वारा शासन प्रशासन से कोई लिखित शिकायत की गई है? हाँ जी, हमने बबलू सर से बात की है, उन्होंने कहा है कि हम इधर नहीं खोलने देंगे। SDM ऑफिस, हाँ उधर एप्लीकेशन दी है। अब हम दोबारा हम फिर जाना है, DC के पास जाना है हमने। आप देख रहे हैं महिलाओं का कांड, आप देख रहे हैं चिंतपुर्णी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बेड जसवां से लाइव तस्वीरें, जहां आज शराब का ठेका खोलने के विरोध में यहां पर जो बेड जसवां के स्थानीय लोग हैं लामबंद हो चुके हैं और ठेका खोलने का विरोध कर रहे हैं। किसी भी हालत में यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि किसी भी हालत में यहाँ ठेका नहीं खुलने दिया जाएगा।
ये दुकान आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ ठेका खुला था और जिसका विरोध किया, उसके बाद कुछ पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने कुछ समय के लिए इसको बंद कर दिया है और आने वाले समय में यहाँ सभी परिवार गांव के यहाँ पे सैर करने आते हैं शाम को, और यहाँ पे साथ में खेल मैदान है, एकेडमी है, जस्ट 300 मीटर पे है, ज्यादा भी नहीं। और ये मतलब गांव का मतलब शाम को पूरा पारिवारिक व्यस्तता वाला रोड है, ये लिंक रोड है, तो इससे मतलब पूरे गांव को गलत होगा, तो इसके विरोध में हम हैं। इसलिए आप देख रहे हैं हिमाचल फर्स्ट पर विवेक शर्मा के साथ यहाँ पर आज शराब का ठेका खोलने के विरोध में यहाँ पर पहुँचे थे। हमारे साथ एक और यहाँ स्थानीय लोग जो जुड़े हैं, हम जानते हैं उनसे क्या कहना है इनका। जी क्या कहना चाहेंगे जी, इस जो शराब का ठेका खुल रहा है इस बारे में क्या कहेंगे आप? नमस्कार जी, हम सभी ग्रामीण निवासी भेड़ जस्मे के, हम अपना संदेश माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राजस्व मंत्री, माननीय विधायक महोदय चिंतपूर्णी विधानसभा और माननीय जिलाधीश व उपमंडल अधिकारी आम तक पहुंचाना चाहते हैं कि ग्राम पंचायत बेड़ जस्मा में एक तरफ तो आपने पूरे हिमाचल प्रदेश में नशा रोको अभियान चलाया है, लेकिन दूसरे एक ही पंचायत में दो दो ठेके खोले जा रहे हैं। हमारी वार्ड नंबर 4 में प्लस 2 स्कूल है और वहाँ पर भी एक ठेका खोला गया है। वार्ड नंबर 5 में एकेडमी है, प्राइमरी स्कूल है, वहाँ भी एक ठेका खोला जा रहा है। तो ये तो एक गलत बात है कि एक पंचायत में दो दो ठेके खोले जाए। हम ये नहीं कहते हैं कि हम सरकार के काम में रोड़ा अटकाएं, लेकिन फिर भी जायज और नजायज जो है वो देखा जाना चाहिए। और जहां पर ये ठेका खोला जा रहा है, ये एक कॉमन प्लेस है, यहां पर प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी जाते हैं, प्लस 2 के बच्चे भी जाते हैं, पूरे ग्रामीण निवासी जो हैं उनके खेत हैं, और बहनें बुजुर्ग जो हैं और भाई जो हैं शाम को अपने खेतों में काम भी करते हैं, कोई शहर के लिए आते हैं, तो ऐसे कॉमन प्लेस पे ये नहीं खुलना चाहिए जी, और एक पंचायत में दो दो ठेके नहीं खुलने चाहिए जी। तो मैं यही निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारी इस अपील को स्वीकार किया जाए और इस ठेके को जो है वो बंद किया जाए और किसी अन्यत्र जगह पे इसको खुलवा दिया जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के बेहड़ जसवां से लाई तस्वीरें, जहां आज शराब का ठेका खोलने के विरोध में यहां पर स्थानीय लोग जो हैं एकत्रित हो गए हैं। माहौल यहाँ का जो है तनावपूर्ण। यहाँ का जो शराब का ठेका खुलने के विरोध में यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ माहौल गर्मा रहा है। अब देख रहे हैं किस तरह से यहाँ माहौल जो है गर्मा चुका है और शराब का ठेका खुलने का पुरजोर विरोध यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा किया जा रहा है। मौके पर पुलिस प्रशासन भी यहाँ पहुंचा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि किसी भी हालत में यहाँ जो है शराब का ठेका नहीं खुलने दिया जाएगा, तो वहीं जो यहाँ Thank you.
पुलिस पुलिस प्रशासन भी आप हैं जी ठेकेदार जी, क्या कहना चाहेंगे जी? यहाँ विरोध हुआ है, हमें ये जो ठेका सब बैंड लॉट हुआ है जी। जो सरकार की पॉलिसी है 2023-24 की, उसमें जो भी कंडीशन है हमने पूरे वो कंडीशन पूरी की, तभी हमें लॉट हुआ है। लेकिन ये जो गांव वाले हमारे ऊपर जबरदस्ती, जो कि हमारी इसमें कोई हमारा कोई रोल ही नहीं है, रोल तो सरकार का है, जबरदस्ती हम खोल नहीं सकते। अगर ये बंद करते हमें मंजूर है, सरकार बंद करवा दे, हमारे तो किसी प्रकार से कोई भी ये नहीं है, हम इनके साथ है। ठीक है नहीं? कहाँ से हैं आप, क्या नाम है आपका? कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव है, डोगरैंड कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव है। और जो भी सरकार ने जो मापदंड दिए थे 2023-24 नीति के, तभी तो परमिशन मिली हमें। अब गांव वालों को जो हमने दिखाने थी परमिशन, वो दिखा दी है, पुलिस को दिखा दी है, पुलिस ही सब कार्रवाई कर सकती है, जो भी करना है प्रशासन आ जाए, हम बंद कर देंगे, हमें क्या दिक्कत है। धन्यवाद। आप देख रहे थे यहाँ डोगरा जो ट्रेडिंग कंपनी है उनके नुमाइंदे यहाँ पहुँचे हुए थे हमारे साथ। उन्होंने कहा कि जो सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं उसको पूरा करके हमने यहाँ ठेका खोलने की शुरुआत की थी, और उसके बावजूद यहाँ जो स्थानीय ग्रामीण हैं उनका विरोध है। विरोध होने के कारण कुछ समय के लिए यहाँ शराब की दुकान बंद भी कर दी गई है। Hello।